असलमकुम स्टूडेंट्स दिस इज़ योर टीचर मिस मरीम आई होप यू ऑल आर फाइन ठीक है आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद पेज नंबर थर्टी टू अच्छा जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमने अपने चैप्टर को एंड करना है तो ये आज का जो लेक्चर है वो हमारे चैप्टर का अख्तामी लेक्चर है ठीक है इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिविज़न uh, uh, देती जाऊँ जो हमने लेक्चर्स uh, लास्ट लिए हैं ये चैप्टर जो हमने डिस्कस किया है उसका थोड़ा सा मैं रिवीजन दे देती हूँ कि ये चैप्टर जो है दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट मेकिंग ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान किस तरीके से बना वजूद में आया ये तमाम चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस की थी अब जो हमने स्टार्ट लिया था वो हमने लिया था से यानी कि जो मूवमेंट्स बनाई गई थी पाकिस्तान के सॉरी उस वक्त पाकिस्तान का तो फिलहाल कोई वजूद नहीं था उस वक्त जो है वो मुसलमानों के हक के लिए जो है वो मूवमेंट्स बनाए गई उनके हकूक़ के लिए जो है ये मूवमेंट्स चलाई गई चार मूवमेंट्स हमने पढ़ी चार मूवमेंट्स के बाद जो है हम आ, आए प्रॉपर एक पार्टी की तरफ विच इज़ मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के लिए एक पार्टी बनाई गई उसकी तरफ आए देन हम लोग जो है उसके बाद पाकिस्तान मूवमेंट की तरफ आए ठीक है उसके बाद हमने जो है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा जो 1940 में हुआ था देन पाकिस्तान किस तरीके से आ, सब कॉन्टिनेंट जो है वो किस तरीके से डिवाइड हुआ ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी यानी कि लास्ट लेक्चर हमने पाकिस्तान की आज़ादी तक डिस्कस कर लिया था अब उसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे विद इंपॉर्टेंस ऑफ 14 अगस्त 1947। फोर्टी पाकिस्तान की जो आज़ादी है या फोटीन अगस्त की जो अहमियत है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों ने जो है वो कामयाबी हासिल की आज़ादी हासिल करने में पाकिस्तान जो है वो फ़ोटीन अगस्त 1947 को जो है वो एक आज़ाद रियासत बना और इंडिया जो है वो फिफ्टीन अगस्त को फ़ोटीन अगस्त जो है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वो सत्ताईसवा रमज़ान था ठीक है और सत्ताईसवां रमज़ान जो है वो कद्र कंसीडर किया जाता है नाइट ऑफ पावर जो है इस रात को कंसीडर किया जाता है तो ये एक बड़ी ही खुशकिस्मती थी कि पाकिस्तान जो है वो 27 रमज़ान को आज़ाद हुआ तो इस इवेंट को जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मदद समझा गया और ये जो डेट्स का कोइंसिडेंस है जो इतफ़ाक़ है कि इतनी बड़ी नेमत जो है वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दी प्लस वो जो रोज़ा था सत्ताईसवा रोज़ा जिसे बहुत बड़ा रोज़ा हम मानते हैं इस रात को बहुत बड़ी रात मानते हैं ठीक है ना तो ये दोनों डेट्स बहुत ही मुकद्दस हैं हमारे लिए कितनी बाबरकत आ, रात के सदक़े में अल्लाह ने जो है वो हमें आज़ादी हासिल की अल्लाह ने जो है वो मुसलमानों पर अपना और करम फरमाया अच्छा अब जो है आज़ादी के बाद जो ब्रिटिश इंडिया था वो डिवाइड हो चुका था नेचुरल था कि पाकिस्तान जो है उसे उभर कर एक अलग रियासत एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना था इंडिया भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था अब जो नीम ख़ुद मुख्तार रियासतें थी उन्हें जो है ये कहा गया कि वो चाहे तो इंतखा करें राज़ी हो जाएं या पाकिस्तान के साथ रहने में या फिर इंडिया के साथ रहने में लेकिन जो है कुछ रियासतों के जो रूलर्स थे उन्होंने इस बात को लोगों तक पहुंचाया तो लेकिन इस रूल को फॉलो नहीं किया ये इस बात को फॉलो नहीं किया गया जैसे कि हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर की जो रियासत है वो आज भी जो है वो एक मतनाज़ा इलाका ही रह गया है आज भी जो है उसमें किसी किस्म की कोई आज़ादी की लहर दिखाई नहीं देती है तो इन रियासतों को स्पेशली जो हम जम्मू एंड कश्मीर का नाम लेते हैं तो इस रियासत को भी उस वक्त ये कहा गया था कि उनकी मर्ज़ी है कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर वजूद में आएँ या फिर पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए या फिर इंडिया के साथ लेकिन इस रियासत को आज़ादी नहीं मिली और आज भी जो है ये इंडिया के ही कब्जे में है <coughs> ये थी अहमियत हमारी 14 अगस्त की हमारी आज़ादी के दिन की अब उसके बाद हम आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट एक नज़रियाती रियासत में जो है वो शहरीों की ज़िम्मेदारियाँ कायद अजम ने जो है अपने जो कौम से ख़ताब किया था जून 15, 1948 को उसमें कायद अजम ने पाकिस्तान के लोगों को वार्न किया था ए, ए उस खतरे के हवाले से वो ख़तरा क्या था प्रोवेंशियलिज्म और रेसियलिज़म यानी कि जो सूबाई जो हमारे तजाद हैं या फिर जो हमारे नस्ली तज़ाद हैं इनसे जो है मुसलमानों को या पाकिस्तान के लोगों को वार्न किया था तो कायदे अजम ने क्या कहादम ने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं बराए इसके के बलोची पठान सिंधी पंजाबी या बंगाली हम अपने आप को कंसीडर करें हमें सबसे पहले अपने आप को कंसीडर करना है एज अ पाकिस्तानी हमारी जो सोच है हमारे जो एक्शंस हैं वो एक पाकिस्तानी की तरह होने चाहिए और हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए अच्छा अब पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के लिए जो जद्दोजहद की उसकी आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद की उसके पीछे की फ़िलासफ़ी क्या थी पीछे की फ़िलासफ़ी यही थी कि एक ऐसी इस्लामी रियासत कायम की जाए जहाँ पर मुसलमान अपने मज़हब इस्लाम के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके तो अब आइडियोलॉजिकल जो स्टेट है अब ये जो पाकिस्तान है जो नज़रियाती एक रियासत है ये डिमांड करती है लोगों से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़िम्मेदारियाँ और वो ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं यहाँ पर हमें दर्द से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं आप देखें सबसे पहले तो ये है कि यहाँ की जो आवाम है यहाँ के जो लोग हैं सबसे पहले उन्हें अपनी जो ज़िंदियाँ हैं वो इस्लाम की तलीमत के मुताबिक गुजारनी है ठीक है क्योंकि यही जो है बुनियाद है इस मुल्क की इसी चीज़ के लिए तो हमने इस मुल्क को आज़ाद किया है हमारे जितने भी कवानी हैं ठीक है थीके, वो तमाम जो है वो इस्लामी शरीयत के हिसाब से होने चाहिए अच्छा इसके अलावा जो है जो हम अपना एक डेमोक्रेटिक सेटअप अपने मुल्क का जो बनाए उसकी बुनियाद जो है वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक होनी चाहिए वेस्टर्न टाइप डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है पाकिस्तान के लोगों के लिए सुटेबल नहीं है इस्लामी शरीयत के हिसाब से ही जो है यहाँ का डेमोक्रेटिक जमहूरी सेटअप होना चाहिए हर जो शहरी है इस नज़रियाती रियासत का वो जो है ईमानदार और मुहब वतन होना चाहिए और कुर्बानी और जो है वक्त आने पर रियासत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार होना चाहिए पर्सनल इंटरेस्ट जो है उसका अपने स्टेट के इंटरेस्ट के बाद आना चाहिए जो सिटीज़न्स हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से गुजारनी चाहिए मतलब कि वो किसी भी किस्म के फ़्रॉड या करप्शन के कामों में मुलविस ना हों देन जो यहाँ के शहरीों का बिहेवियर है वो एजुकेटेड होना चाहिए तालीम याफ़्त होना चाहिए महजब शहरी की तरह होना चाहिए सबसे पहले ज़रूरत है कि इन्हें अपने आप को तालीम याफ़्त बनाना है एजुकेट बनाना है क्योंकि यही वो रास्ता है एजुकेशन ही वो एक जरिया है जिससे हम तरक्की हासिल कर सकते हैं और अपने कैरेक्टर को बिल्डअप कर सकते हैं अपने किरदार को बना सकते हैं इसके अलावा जो है हमें वॉयलेंट नहीं होना यहाँ के शहरी को वॉयलेंट नहीं होना है किसी भी किस्म के जो लॉज हैं उनको तोड़ना नहीं है बल्कि जो रूल्स रेगुलेशन हैं जो लॉज हैं उन पर पूरा पूरा हमने अमल करना है उनको पूरा पूरा हमने फॉलो करना है फिर हमारे पास के यहाँ के जो शहरी हैं उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है जिसमें जो है मुल्क की सालमियत मुल्क की तरक्की एज़ाज़ ये तमाम चीज़ें जिसमें शामिल हो ऐसी एक्टिविटीज़ में, एक्टिविटीज में यहाँ के शहरीों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने मुल्क को ऐसे तमाम खतरात से बचाना चाहिए जो कि इसे नुकसान पहुँचा सकते हैं इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि यहाँ के शहरीों को वर्किंग होना चाहिए और फ़लाही जो मुआरे की फ़लाह है उसमें कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए जो ड्यूटीज़ हैं अपनी उनको फुलफ़िल करना चाहिए रेगुलर अपनी ड्यूटीज़ अपनी सर्विसेज को अंजाम देना चाहिए देन <coughs> लास्ट हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो शहरी हैं उन्हें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड और मुसलमानों को जो भाईचारा है जो इंसानियत का जो एक एहसास है उसे प्रमोट करना चाहिए तो ये फॉलोविंग जो है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो कि हमारे इस मुल्क के अंदर तमाम शहरीों शे, की जिम्मेदारियां हैं जो कि हमें फ़ॉलो करनी चाहिए